हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पंकज टाकली ब्लॉग। और आज मैं गांव आ रखा हूँ और यहाँ कैसा माहौल हो रहा है वो सारा कुछ दिखाऊंगा। निक्की भाई मिल चुके हैं तो पूरा गांव दिखाता हूँ नज़ारा इधर का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश भी हो रही है तो हरियाली बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बताइए आजकल गांव में क्या चल रहा है भाई? अभी हमारे मम्मी जो है नीचे मडवा टीपरी, यहाँ पे टीपरी, यहाँ और बंदर भी देख सकते हो साथ साथ में। अभी धान भी हो गई यहाँ पे और अभी अखरोट भी हमने गिरा लिया यहाँ पे, अखरोट खवा ला पहले। हाँ तो बरसात कितने दिनों से है आजकल गांव में है? तो यहाँ पे बंदर कैसे आते हैं निकी भाई, एक बार करें एक बार और गाड़ी रहे यार, बहुत देखो बहुत दुखी कर रखा है इन बंदरों ने। तो सरकार इनके बारे में कोई ना कोई फैसला दे, अगर ऐसे ही चलता रहे तो हमारे प्लान बढ़ता रहेगा हमारे उत्तराखंड का। सबसे बड़ा प्लान का कारण बंदर हो रहे हैं हमारे उत्तराखंड में और पहाड़ में बांध अलग होना है। हाँ, तो सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा है तो एकदम प्लान होकर रहेगा। दोस्तों गाँव में आया हूँ तो याद आया कि आज कोविड की वैक्सीन लगने वाली है सेकंड डोज, क्योंकि लगाया नहीं था मेरे दोस्त लोगों ने तो पहले लगा दिया था। तो जा रहा हूँ वहीं जी, घास काट के लागी तो निकलते हैं। चलो भाई निकी भाई, चलो भाई चलो। शुद्ध पानी हरियू घाटी की टी शर्ट पहने निकी भाई ने, हरियाली हरियाली है। क्यों? अभी संस्कृत पे हमें गर्व है। मोर्चल लागन लो गणा बुन। ये है मडू की खेती, लेकिन बारिश के कारण क्या हो गया पता है दोस्तों? देख सकते हो आप, तैयार होने वाली है। अरे धान मुन्नू मुंडुआ धान क्या होता है? मडू की रोटी ना कभी भी घी के साथ और नमक साथ में लगाना ना बहुत अच्छा होता है। हाँ, मडू की मोमो बनने लग गए हैं। बाजरा है ना है? ये बाजरा है? ये झार है, झार। बाजरा यहाँ नहीं होता, बाजरा राजस्थान में होता है। ये पहाड़ में होता है हमारे बाजरा, ज्वार। इसकी जो है वो झार है, ज्वार। झार झार झार। इसका वो खाया जाता है कि इसका भात खाया जाता है झार का। अच्छा, काफी अच्छा होता है। अच्छा, ये देखो मंडो का हाल बंदर ने क्या करता है। अभी बंदर मिलेंगे नीचे, ये वाला वीडियो का लिए मैं बंद। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं था हल्द्वानी और हमारा काम ऑनलाइन का था तो टाइम नहीं मिल पाता था। जब भी मैं बाहर जाता था तो वीडियो ज़रूर बनाता था। अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव में हूँ, अभी आठों मेला लगने वाला है और बहुत सारे मेले हैं गांव में, वो सारे दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंदर। तो फिर से आपका वेलकम है इन पहाड़ के हसीन वादियों में। दाजू मिले हैं यहाँ पर, दाजू अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से हो आप? मैं मिकला से हूँ। अच्छा, ये क्या ले जा रहे हो पीछे? डोका ले जा रहा हूँ। अच्छा, डोका। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, कैसे बनता है ये? इसको लाना पड़ता है जंगल से, फिर बनाना पड़ता है, रिंगाल लाना पड़ता होगा, फिर चोरना पड़ता है। अच्छा, फिर बनाते हैं। अच्छा, फिर उसको लाके यहाँ से 250 की इसकी प्राइस बना रखी है सर। अच्छा, एक डोका कितने का है? 250 रुपए सर। तो बहुत मेहनती लग रहे हो दाजी आप। अभी इसको बेच के ही आओगे सारा कुछ? हाँ सर, इनको बेच के ही आएंगे, नहीं तो शाम के लिए क्या खाए सर? यही हमारा जुगाड़ है, यही रोजगार है पहाड़ों में। तो धन्यवाद, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदर राम। ठीक है, ये सुंदर राम जी है मिकिला से। तो इन जैसे लोगों की हेल्प जरूर करना और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पहाड़ों के अंदर। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। हम सरयू नदी के वहाँ पे पहुँचे हैं और देखो आजकल गर्मियों के टाइम पर भी नदी बहुत ख़तरनाक आ रखी है। इस बार तो भयंकर ही हो गया पहाड़ों में ना, कंटिन्यू बारिश है। यानी चार दिन बारिश हो रही, दो दिन धूप लग रही, फिर चार दिन और बारिश हो रही, ये हो रहा पहाड़ों में। कि भाई जी, आपने साथ में वैक्सीन लगाया था, यहाँ लगा दिया वैक्सीन? हाँ, दूसरी वैक्सीन लगा ली हमने, दूसरी डोज लगा ली। अब तीसरी लगा रहे हो? तीसरी अभी सरकार ने अलाउड नहीं करके, अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मतलब आप अमर हो गए आप? अरे बीमारी नहीं हो, ऐसा गलत सोचना गलत है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं अमर, ऐसा कुछ नहीं है।
कोविड वैक्सीन लगाने से सिर्फ हमारे अंदर क्या पड़ती है, प्रतिरोधक क्षमता, कोविड के मतलब लड़ने की, जो वायरस होता है उससे लड़ने का काम आता है, प्रतिरोधक क्षमता। बस ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं अमर, तो आज हम भी अमर हो जाएंगे। ये गलत धारणा है। थैंक यू। कार पहुंच गए, अब गाड़ी निकालूंगा। भाई की बुलेट खराब हो गई है, तो हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं हल्द्वानी को, हल्द्वानी जो बोल रहा हूँ वैक्सीन लगाने के लिए। पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो वैक्सीन लगती है यहाँ पे, ये देख तो आप जो केंद्र है वैक्सीन लगाने का यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय सॉन्ग, तो मिलते हैं आपको वहाँ पे, ले जाते हैं। चलिए चलिए चलिए, पहली बार कपकोट में लगाया था, अब यहाँ लगा रहा हूँ वैक्सीन। निकी भाई ने तो लगा दी है। हाँ भाई मैंने लगा, तो ले चलता हूँ आपको। जो भाई अपने बुलेट वाले शनि दी जा रहे हो क्या है? 14 को अरे तो वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं। ये देखो धान, तो देर की वैक्सीन लगाने में। अरे वो मास्क नहीं लाया हूँ मैं, कार्ड किधर पास? हमारे इधर सबसे बड़ा स्कूल प्राथमिक विद्यालय हुआ करता है, लेकिन आज हमारे ग्रैंड पानी पड़ा, बुबू लोगों ने इधर ही पढ़ा है। तो ये सॉन्ग चले, चल ये वहाँ जाके चढ़ाई थी, बड़ी दिक्कत कर रहे थे, परेशान है इन बातों। अरे पहले पहले वही तो रहा, पहले पहले तो सेकंड डोज लगाने के लिए तैयार। वीडियो बना सकते, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेकंड डोज लग रही। तो कैसा फील कर रहा पंकज भाई? अच्छा तो क्या डर रहा है यार, अब तेरे को कोरोना नहीं होगा, बच गया भाई तू कोरोना से। ऐसा मत कर भाई, अब हम अमर हो गए, हमारे अब दोस्तों को अमर हो गया, हम अब जिंदा रहेंगे। चलें ये तब दो मिनट रुक रहे हैं, फिर लगाने के बाद अब निकल रहे हैं नीचे बासुगुरु की ओर। निकी भाई बहुत खुश हैं यहाँ पे। हाँ भाई को वैक्सीन लग गया, अब अमर हो गया। चल अगली वेट, कौन हरावर है कि भाई? भाई सरयू घाटी की टी शर्ट पहन रखी है आपने? जी जी जी, आपके टी शर्ट पहनेंगे जो जो नेक्स्ट। हाँ अब न्यू ईयर में कम से कम 20-25 टी शर्ट बनाऊंगा सभी अपने भाइयों के लिए। दोस्तों वैक्सीन लगाने के बाद अभी हम हैं मुनार दयालदा के होटल पे, और थोड़ी देर में घर जा सकता हूँ। जो सुबह मिले थे हमें, सारा डोगा बेच के आ गए हैं, कलेक्शन कितने की कमाई हुई दाजू? चलो बढ़िया है, मेहनत का पैसा है। हमारे गांव वाले हैं वैक्सीन लगा के आ रखे हैं, और कलियो पोलियो ले जाऊँ कर एकदम। क्यों? दयालदा की दुकान से। यह है पप्पू भाई, पप्पू भाई हेलो बोल दो। क्या के लिए जाऊँ मैं? शो कब्बा भाई क्या ले जा रहे हो? कब्बा भाई बोतल ले जा रहे हैं, दिखाओ बोतल। पहाड़ी बोतल, एक महीने का कोटा, एक महीने का कोटा दिखाओ दे बोतल।
दोस्तों घर पहुंच गया, अब गाड़ी की धुलाई हो रही है, अपने गांव में पहुंच गया। तो गाड़ी की धुलाई हो रही, तो वैक्सीन लगाने के बाद घर गया, घर आया और अभी शाम हो रखी है। तो यहाँ तक वीडियो आएगी, बाकी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।